गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोर कॉन्सेप्ट, सम टॉपिक इन मोर कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मोल प्रभार। मूल फ्रैक्शन इसको मैंने बता दिया था, पुनः रिवाइज कर दे रहा हूं। मूल प्रभार किसे कहते हैं? किसी भी विलयन में उसके एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभार कहते हैं। विलेय का मूल प्रभार बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। विलायक का मूल प्रभार बराबर विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय व विलायक के मूलों की संख्या। विलेय का मूल प्रभार बराबर विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल एन बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार से विलायक का मूल प्रभार बराबर विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। विलेय का मूल प्रभार विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। विलायक का मूल प्रभार विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आप जानते हैं सबसे पहले मोल प्रभार निकालने के लिए हम विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अनुभार। विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार ग्राम में बटे विलायक का अनुभार। इस पर आधारित कुछ गणनाएं हम लोग कर लेते हैं। जैसे यदि एक जलीय विलयन में यदि क्वेश्चन है यदि एक जलीय विलयन में 6% यूरिया यदि एक जलीय विलयन में 6% यूरिया घुला हो तो यूरिया व जल का मोल प्रभार क्या होगा? एक यदि एक जलीय विलयन में 6% यूरिया मिला हो तो यूरिया व जल का मोल प्रभार क्या होगा? जहां पर यह का परमाणु भार 14, एच का परमाणु भार 1, सी का 12, ओ का 16। परमाणु भार दिया रहेगा तो यूरिया का भार निकालेंगे, जल का भार निकालेंगे। तो सबसे पहले एक जलीय विलयन में 6% यूरिया घुला है, इसका मतलब 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया है
और 94 ग्राम जल है। जली मिलन किसका है? जल का है, अर्थात यूरिया का जली मिलन है, विलायक जल है, यूरिया विलेय है। 6% का मतलब 100 ml विलयन में 6 ग्राम यूरिया है और 94 ग्राम जल है। सबसे पहले हम यूरिया के मोलों की संख्या निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद मोल प्रभार की गणना करेंगे। आंसर देखिए, NH2CO NH2 के मोलों की संख्या बराबर 6/60 बराबर 0.1 मोल, यह बराबर आ गया 0.1 मोल। यूरिया के मोलों की संख्या बराबर 6/60, 6 ग्राम यूरिया है, 6% माने 6 ग्राम, 60 क्या भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, 2 नाइट्रोजन 14 = 28, हाइड्रोजन का 1, 2 = 4, 28 = 32, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, 16 = 28, 28 = 32, 60, यह यूरिया का भार हो गया, परमाणु भार का योग आ गया 0.1 मोल। अब हम निकालेंगे H2O के मोलों की संख्या माने कैपिटल N। H2O की मोल संख्या H2O का भार में 94/18, 18/25, 4/18/25 आ गया, 4 किया जाएगा 44 = 36, 5.22, अर्थात यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 और जल के मोलों की संख्या आ गया 5.22। अब हम निकालेंगे मोल प्रभार। मोल प्रभार कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यूरिया का मोल प्रभार निकालेंगे, उसके बाद यूरिया के मोल प्रभार के बाद हम निकालेंगे जल का मोल प्रभार। यूरिया का मोल प्रभार बराबर यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया व जल के मोलों की संख्या। यूरिया का मोल है 0.1, इसका 0.1 + 5.22 बराबर 0.1 upon 0.532 आएगा। आंसर हो जाएगा 0.98। ये हो गया यूरिया का मोल प्रभार। अब जल का मोल प्रभार बराबर
जीरो पॉइंट आ जाएगा 5.32 हो जाएगा 0.01 हो जाएगा 0.018। अगले हो जाएगा जल का मूल प्रभाव बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर 5.22 अपॉन 5.32 बराबर हो जाएगा 0.98 ऐसा आ जाएगा यूरिया का 0.09 0.98। यूरिया का मोल भाजा यूरिया की मोलिक संख्या 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5.22 बराबर 0.1 अपॉन 5.32 बराबर 0.01। और जल का मोल प्रभार बराबर जल की मोलक संख्या बटे यूरिया प्लस जल की मोलक संख्या 5.22 या जल का हो गया और ये हो गया 5.32 बराबर हो गया 0.98। जल का मोल प्रभार 0.98 और यूरिया का मोल प्रभार 0.98 यह था जल व यूरिया का मोल प्रभार। अगला टॉपिक देखिए पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता पीपीएम में सांद्रता पीपीएम में सांद्रता क्या है? दस लाख ग्राम या बालून बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जितनी ग्राम मात्रा घुली होती है पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। 10 लाख ग्राम बिलियन में या आयतन बिलियन में विलेय पदार्थ की जितनी ग्राम मात्रा जितनी आयतन मात्रा घुली होती है पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में सांद्रता का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय बटे बिलियन की मात्रा गुणे 10^6। पीपीएम में सांद्रता विलेय पदार्थ की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 10^6। बिलियन की मात्रा ग्राम में भी हो सकता है आयतन में भी हो सकता है। यह था पीपीएम में सांद्रता। अब इसके बाद आप लोग पढ़ाएंगे सूत्र के प्रकार। सूत्र व उसके प्रकार सूत्र व उसके प्रकार
ध्यान दें, सूत्र किसे कहते हैं? प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के संगठन को प्रदर्शित करता है, जो किसी भी पदार्थ के संगठन को प्रदर्शित करता है, वह उस पदार्थ का सूत्र कहलाता है। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है, वह उस पदार्थ का सूत्र कहलाता है। सूत्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अणु सूत्र, दूसरा है मूलानुपाती सूत्र, तीसरा है संरचनात्मक सूत्र। अर्थात पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अणु सूत्र, दूसरा है मूलानुपाती सूत्र, तीसरा है संरचना सूत्र। अणु सूत्र किसे कहते हैं? किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु को किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर देना अणु सूत्र कहलाता है। किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर देना अणु सूत्र कहलाता है। जैसे एथेन का अणु सूत्र C2H6 व ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। इसका मतलब हुआ एथेन में कार्बन की वास्तविक संख्या 2, हाइड्रोजन की वास्तविक संख्या 6, इसी प्रकार से ग्लूकोज में कार्बन की वास्तविक संख्या 6, हाइड्रोजन की वास्तविक संख्या 12, ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या 6 होती है। अर्थात किसी यौगिक में प्रत्येक परमाणु की वास्तविक संख्या को लिख देना, प्रदर्शित कर देना अणु सूत्र कहलाता है। इसका मतलब हुआ एथेन में कुल 6 कार्बन होते हैं, एथेन में कुल 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए लिखा गया C2H6। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। अतः यह था अणु सूत्र का फार्मूला। दूसरा है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र इंग्लिश में इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं की वास्तविक संख्या को अनुपात के रूप में प्रदर्शित कर देना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं की वास्तविक संख्या को अनुपात के रूप में प्रदर्शित कर देना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एथेन का सूत्र C2H6 व इनका अनुपात 2:6, 2:3, 2:6 बराबर 1:3। अर्थात मूलानुपाती सूत्र CH3 होता है। ध्यान दें, एथेन का सूत्र C2H6 होता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र
सी एच थ्री होता है। यदि कोई कहे एथेन कण सूत्र क्या है, तो आप बताओगे CuO6 और मुरान पाती सूत्र पूछता है तो आप बताएंगे CH3। और सूत्र को अनुपात में प्रदर्शित कर देना मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसी प्रकार से ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है, जबकि अनुपात 6:12:6 बराबर 1:2:1 अर्थात CH2O होता है, CH2O होता है। इसका मतलब हुआ ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 जबकि मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है, माने ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 और CH2O दोनों होता है, जबकि यह अणुसूत्र होता है और यह मूलानुपाती सूत्र होता है। इसी प्रकार से एथेन के दो सूत्र हैं, एक C2H6 दूसरा CH3। C2H6 अणुसूत्र होता है जबकि CH3 मूलानुपाती सूत्र होता है। यह था अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र। तीसरा है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरा है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र किसे कहते हैं, ध्यान दें। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, संरचना सूत्र किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं को उनके संरचना के आधार पर अलग अलग बंधों के रूप में प्रदर्शित कर देना संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे एथेन का सूत्र C2H6 मूलानुपाती सूत्र CH3, जबकि संरचना सूत्र C2H6 अर्थात CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, या ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यह एथेन का अणुसूत्र है, संरचना सूत्र है। यह एथेन का अणुसूत्र है, यह एथेन का मूलानुपाती सूत्र है, जबकि यह एथेन का संरचना सूत्र है। तीनों फार्मूला वही है, लेकिन एक अणुसूत्र है, एक मूलानुपाती सूत्र है, एक संरचना सूत्र है। इसी प्रकार से ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 व मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है, जबकि संरचना सूत्र CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह है ग्लूकोज का अणुसूत्र CHO CHOH 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 CHOH। ये तीनों आपके सामने ग्लूकोज के फार्मूला है, लेकिन तीनों अलग अलग फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों फार्मूला आपके सामने ग्लूकोज का ही है, जबकि ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है और ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र है। किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणुओं की संख्या को अलग अलग बंधों द्वारा संरचना के आधार पर प्रदर्शित कर देना
संरचना सूत्र कहलाता है। थैंक यू बेटा। अब शेष भाग नेक्स्ट।